अभी गेम क्या है मैं आपको बताती हूँ. मैं एक शब्द बोलूंगी एंड देन आई पास इट ऑन. आई आस्क टू ईच वन ऑफ यू. आपको उस शब्द के साथ उसका एसोसिएटेड वर्ड बोलना है. नॉट नेसेसरीली पर्यायवाची. पर्यायवाची नहीं बोलना है पर उसके साथ जुड़ता हुआ, उसके संबंधित, उसको एक मीनिंग, उसको एक अर्थ देता हुआ कोई दूसरा शब्द आप बोल सकते हो. जैसे मैं अगर एजुकेशन बोलती हूँ तो कोई उसके साथ जुड़ता हुआ दूसरे शब्द में जॉयफुल भी बोल सकता है, कोई लर्निंग भी बोल सकता है, कोई प्लेजर भी बोल सकता है. तो एजुकेशन बोला तो उसके साथ जुड़ते हुए जो आपका आप जो मीनिंग देते हो या अटैच करते हो उसके साथ जो अर्थ, वो शब्द आप बोल सकते हो. इसको थोड़ा हमारी समझ में लाने के लिए पहले मैं कोई अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन की कोई और शब्दों से शुरुआत करूंगी. तो आप जो शब्द उसके साथ एसोसिएट करते हो वो मुझे बताएं. ठीक है तेंदुलकर. क्रिकेट. ठीक है, वी अंडरस्टैंड दिस. गेम. ओके गेम. अच्छा अब इसका एक और नियम ये है कि आप हाथ नहीं उठाएंगे और आपको मैं सोचने का वक्त भी नहीं दूंगी. अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए आप सोच के बता रहे हो. फिर मैं तेंदुलकर बोलूंगी, फिर मैं सेरेना विलियम्स बोलूंगी, फिर मैं सानिया मिर्जा बोलूंगी, या फिर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. यू विल नॉट हैव टाइम टू थिंक. आपको इमिजिएटली बोलना है. अगर आपने सोचने में वक्त लगाया तो मैं आगे पास ऑन कर दूंगी. सो वही बात है. तो अब मैं बिना सोचे आपको बिल्कुल बोलना है एंड आई विल पास ऑन इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक. तो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे. तुम आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. जापान. कंट्री. नेम ऑफ कंट्री. नेम ऑफ द कंट्री. ओके ओके. कोरिया. लड़ाई. जापान. कंट्री. कोरिया. 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 कोरिया नहीं होता है. कोरिया का आधा वर्ड देना होता है. और दूसरा जो शब्द आ गए हैं उसको आप रिपीट नहीं करोगे. मान लो किसी ने कंट्री बोला तो यू कैन नॉट से कंट्री अगेन. नहीं आपने किसी ने ना. मैंने सुन लिया वो. So, आपने जो भी बोला वो मैंने सुना. बट यू विल नॉट बी रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन. ओके दैट्स आल्सो अनदर थिंग. चाइना. 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 मशरूम. चाइना. नेपाल. 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 भूटान. भूटान. नेपाल. भूटान. भूटान. इंडिया. 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 दिल्ली. कैपिटल. दिल्ली. दिल्ली. कैपिटल. जयपुर. जयपुर. ओके ओके द गेम इज क्लियर. लेट मी से सो वी बिगिन नाउ. दिस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ वार्म अप राउंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई नॉट वेट यू टू गिव अनदर वर्ड इमीडिएटली. ठीक है. टीचर. टीचर. टीचर का ट्रांसलेशन नहीं करना है. शिक्षक. स्टूडेंट. ओके. टीचर. 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 स्टूडेंट. स्कूल. स्टूडेंट. एजुकेशन. स्टूडेंट. नॉलेज. स्टूडेंट. टारगेट. स्कूल. 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 क्वालिटी एजुकेशन. स्कूल. लर्निंग. टीचर्स. जॉयफुल. टीचर्स. 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 Teachers. Learning. Teacher. Learning. Education. Learning. 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 Education. 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 Motivation. Education. Teachers. 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 शब्द रिपीट नहीं होने चाहिए. Students. 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 Learners. What is it that we were trying to do? Presence of mind. Okay. Concentration. Reflex reaction. Brainstorming. Association. काम करना शुरू करें.
ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो समय लगता है ब्रेन को स्टॉर्म करने में, वो भी स्टॉर्मिंग मैडम आईक्यू क्विक रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन आप जो शब्द बोल रहे थे क्या सचमुच में आपको सोचने का वक्त मिल रहा था उनके बारे में? नहीं, फिर भी आप कुछ बोल रहे थे, फिर भी आप कुछ बोल रहे थे, वो कैसे और कहां से बोल रहे थे? ओके, वन इज रिफ्लेक्स एक्शन, अदर इज स्पॉन्टेनियस. वेयर वॉज दिस स्पॉन्टेनिटी कमिंग फ्रॉम? ये स्पॉन्टेनिटी आपकी कहां से आ रही है? ओपिनियन और एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स वी ऑलरेडी हैव, जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं, जो एजुकेशन की मेरी आज तक की समझ रही है वो इमिजिएटली बाहर आ रही थी. जिस हिसाब से आप में से बहुत सारे लोगों ने जब मैंने स्कूल बोला तो बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, तीन लोगों ने बोला मिनिमम बिल्डिंग, ये शब्द यानी स्कूल की समझ बिल्डिंग ये दृढ़ है, पर उसके अलावा क्या है? एजुकेशन की समझ, सर ने सिटीजनशिप बोला, वो समझ क्या एकदम से मैंने शब्द बोला और उनको आया होगा? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ही हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स ऑफ हिज टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसिपलशिप. उनकी ये समझ है कि शिक्षण जो है अच्छे सिटीजन्स को बनाने के लिए होता है. किसी ने लर्निंग बोला, किसी ने कुछ और बोला. वेयर इज ऑल दीज थॉट्स कमिंग फ्रॉम? और आज मोस्ट ऑफ यू विद अ यंग और ओल्ड और मिडिल एज एट लीस्ट यू हैव सम 5 to 10 years मिनिमम, उससे ज़्यादा वाले भी बहुत सारे हैं, मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग वेदर एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल. तो क्या हमारी उतनी वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए अभी तक कि हम मिनिमम 10 शब्द एजुकेशन के लिए दें, मिनिमम 10 शब्द इस पूरे हॉल से टीचर्स के लिए आए, मिनिमम 10 अलग अलग शब्द स्टूडेंट्स के लिए आए? तो वो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आज से पूर्व हुआ है, शायद ये तो टेस्ट था उसका. दिस वाज नॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस वाज मेबी इवैल्यूएशन, बट एनीवे आई वाज नॉट इंटेंडिंग टू इवैल्यूएट. द आइडिया वाज दैट व्हाट इज इट दैट वी आर थिंकिंग व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल, व्हाट इज इट दैट वी आर थिंकिंग व्हेन वी टॉक अबाउट टीचर्स. हमारे जहन में क्या है जब बिना समय दिए हम किसी को कुछ पूछते हैं? तो जो बेसिक हमारे जहन में रहता है वो इमिजिएटली बाहर आता है, जो कि हम जिस जो हमें गाइड करता है कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, विच इज़ आर ड्राइविंग फोर्स, वो बात आती है क्योंकि वो हमारे भीतर रही हुई है. हमारी सोच अगर स्कूल्स के साथ जुड़ी हुई जो है, और वही सोच हमें कार्य करने में गाइड भी करती है. तो वॉट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी से स्कूल्स? What is it that we understand when we say teachers? What is it that we understand when we say students? If my understanding of students is learning, then perhaps I will make all efforts so that I make learning possible for them. If my understanding for teachers is somebody who is teaching, to wo aayega, padhayega, chala jayega. But if my understanding of teachers is also learning or learner, then I make efforts that how my teachers in my school also are learning, how their professional development also takes place. तो उसी प्रकार से मेरी स्कूल के बारे में क्या समझ है? अगर मेरी स्कूल के बारे में समझ है कि वो एक इमारत है, तो वो एक इमारत रहेगी, तो हम उसमें लैब बनाएंगे, हम उसमें लाइब्रेरी बनाएंगे, हम उसमें 10 कमरे बनाएंगे, हम उसमें प्लेग्राउंड बनाएंगे, पर एक कमरे में भी शिक्षा किस तरह से अच्छे से हो वो हमारी सोच में नहीं आएगा, क्योंकि हम उलझे तो बिल्डिंग में रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच में ये है कि स्कूल एक इमारत है, एक बिल्डिंग. बट अगर मेरी सोच में उससे आगे है तो मैं सोचूंगी डजंट मैटर इफ आई डोंट हैव अ बिल्डिंग, डजंट मैटर इफ आई हैव 2 rooms, डजंट मैटर, आई विल क्रिएट द काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच आई बिलीव माई स्टूडेंट्स शुड have at different levels wherever they are, in the context in which where they are placed. And therefore, what is my thinking that I have when I talk about schools? What is that thinking that I have when I talk about teachers? और इसलिए हमारी vocabulary कितनी ज़्यादा सशक्त होनी चाहिए शिक्षा के संबंधित. मेरी समझ
उसके लिए डेफिनेशन की जरूरत नहीं है पर शिक्षा के बारे में मेरी समझ क्या होनी चाहिए हाउ डू आई अंडरस्टैंड एजुकेशन हाउ डू आई अंडरस्टैंड टीचर्स हाउ डू आई अंडरस्टैंड चिल्ड्रन हाउ डू आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स क्या मेरी इस वोकैबुलरी को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है जो कि मुझे एक दिशा देगी कार्य के लिए भी अदरवाइज वो सीमित रहेगा And today when we talk about schools as learning organizations, it is this message that this term gives. Ki shiksha school jo hai, keval jahan par bachchon ke liye learning hota hai, aisa nahi. It is the organization that itself learns, jo khud grow karta rehta hai. Wo ek imarat nahi hai, wo ek jeevant sthal hai. Wo aisa hai which grows, which has life. And learning is not just for the students, learning is for the teachers, learning is for the principal, learning is for the community, learning is for the parents, learning is for every entity in the school. And unless that learning becomes for everybody involved in the school, any institution, I mean not just school, for any organization, for any institution, if it has to grow, if it has to progress, It has to be a learning organization. It has to evolve. It has to have an evolving system, jaisa Mir sahab keh rahe the, ki main continuously evolve karta hoon. Main dekhta hoon, paristhitiyon ko samajhta hoon. I don't work on what is already existing. I try to evolve from it. And then it is not just now, we need to expand this I to we and to us. किस प्रकार से हम सब इसमें जुड़े एंड मैं एज अ लीडर सबको जोड़ता हूँ आ चलू इन द प्रोसेस इन द जर्नी ऑफ लर्निंग एंड देन बिकमिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फिर चाहे हमारा 100% स्कूल का रिजल्ट आता हो डजंट नेसेसरीली मीन दैट वी आर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट इज वन थिंग बट मे नॉट बी आई एम नॉट ग्रोइंग जरूरी नहीं है मेरा शिक्षक उसने एक फॉर्मूला सीख लिया है जिससे बच्चे 100% लाते हैं तो वो हर साल उसी फॉर्मूला को यूज करता है 100% रिजल्ट आपको मिलता है पर आपका शिक्षक उससे आगे नहीं बढ़ता है आपके बच्चे भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो 100% रिजल्ट तो देंगे पर मे बी उनका 100% अंडरस्टैंडिंग ना हो मे बी आपके शिक्षक भी पढ़ने पढ़ाने के नए तौर तरीके नहीं सीखते हों एंड देयरफॉर योर स्कूल कैन नॉट बी अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अनलेस एवरी मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लर्निंग तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ एज स्कूल प्रिंसिपल